Actor Randeep Hooda, who will soon be seen as the real-life notorious serial killer Charles Chobraj in Main aur Charles, has managed to meet the charming Don in Kathmandu jail on October 25. During the meeting, Randeep was accompanied by director Prabal Raman and producers Vikram Kakkar and Rahul Mitra. However, Randeep admitted that it was not easy for them to meet Charles Chobraj. Charles se milna mushkil nahi hai, namumkin hai. हमने बहुत जद्दोजहद की, बहुत जुगाड़ लगा के गए. एक्चुअली हमें, मुझे किसी ने बताया था कि चार्ल्स ने जेल में काफ़ी लोगों को बोला है कि 30 तारीख को उसकी पिक्चर रिलीज़ हो रही है. अच्छा. तो बिकॉज हम उसके इतने करीबी रहे हैं, कभी मिले नहीं हैं पर उसे थॉट्स में इतने करीबी रहे हैं, तो मैंने सोचा, प्रवाल को कन्विंस किया कि लेट्स गो एंड मीट हिम. जब वहाँ पहुँचे तो काठमांडू का काफ़ी बुरा हाल है वहाँ पे, पेट्रोल की और डीजल की और सलाइन वगैरह ये सब बेसिक चीज़ों की काफ़ी कमी हो रखी है. तो हम उसके बीच किसी तरह हम वहाँ पहुँचे, बहुत सारे अध्यक्षों से हमने बातें की एंड और बहुत सारी, फिर भी हम, क्योंकि संडे था, लिखत पढ़ी, फ़ोन कॉल, चिट्ठियाँ बहुत हुई. फिर हम जेलर साहब के कमरे में गए और वहाँ से उनको हमने रिक्वेस्ट किया, तो फाइनली हमारे पोस्टर्स सिर्फ उस तक पहुँच पाए और पोस्टर्स में 3 उन्होंने रख लिए और उसको अपनी सेल में लगाया हुआ है और बाकी हमको साइन करके उन्होंने भेजे और उस पर बेस्ट विशेस के का कॉम्प्लीमेंट भी दिया. फिर शायद उनकी तरफ से आया या हमारे रिक्वेस्ट से लोग पसीज गए, पर उन्होंने फिर उनसे मिलने का मौका मिला. तकरीबन 10-1 मिनट 7 फीट की दूरी पे थे. ही इज 72 ईयर्स ओल्ड बट ही स्टिल वेरी हैंडसम. आई फेल्ट ही वॉज इन वेरी गुड हेल्थ. ही वॉज सराउंडेड बाई पीपल, ही वॉज सराउंडेड बाई मैनी यंग मैन. तो काफ़ी मनोरंजक और रोमांचक रही पूरी मीटिंग. और उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि पिक्चर रिलीज़ होने के बाद हम उनके लिए एक शो करें काठमांडू जेल में, और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, 3,000 और उनके साथी कैदी हैं उनके लिए भी. क्राइम थ्रिलर मैं और चार्ल्स इज द फर्स्ट फिल्म टू बी एवर मेड ऑन द लाइफ ऑफ चार्ल्स चोबराज. इन द पास्ट मेनी फिल्म मेकर्स हैव ट्राइड टू मेक अ फिल्म ऑन चार्ल्स चोबराज बट नो वन हैज एवर मैनेज्ड. Randeep also revealed how that happened and what was Charles Chobraj's reaction on it. पहली चीज तो उन्होंने बोला कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड कास्टिंग. तो लोगों ने बोला ये एक्टर है. तो पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर उन्होंने हाँ 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 हाँ, तो ही सेड दिस टू मी. फिर उन्होंने बोला कि तुमने हमें, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी पिक्चर रोकने की पर तुमने मुझे मात दे दी, क्योंकि इसमें आमोद कांत भी इन्वॉल्व थे. तो फिर हमने उनको कहा कि ये हमने तुमसे ही सीखा है चार्ल्स. जी जी जी, उन्होंने बोला बहुत अच्छा. उन्होंने ऑथेंटिक प्रवाल को उन्होंने बहुत सराहा कि यू मेड क्रिएटेड सच एन ऑथेंटिक वर्ल्ड. प्रोड्यूसर्स को उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर बहुत गट्स है कि तुमने मेरी पिक्चर ऐसे बना डाली. सेट कि मेरे पास और भी बहुत कहानियाँ हैं, आप मुझसे आके मिलो. बोले 3 नवंबर को मेरी हियरिंग है, 3 नवंबर को मेरी हियरिंग है. उन्होंने कई बार बोला शायद वो चाहते हैं कि हम 3 नवंबर को कोर्ट जाएँ, पर 3 नवंबर को उनकी हियरिंग है और 3 महीने में वो छूटने वाले हैं. तो ये सब बातें हुई और उन्हें बोला आमोद कांत को, मेरा गिव माई लव टू आमोद कांत. और हम यहाँ पे आए तो आमोद कांत जी बोल रहे हैं बहुत बदमाश है वो, जानबूझ के ये सब कर रहा है, उसे पता है वो अभी कुछ नहीं कर सकता, तो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी बिल्कुल बातों पर विश्वास ना करो. मैं और चार्ल्स विल शोकेस द क्राइम्स कमिटेड बाय चार्ल्स चोबराज एंड द स्टोरी ऑफ ईच ऑफ हिज विक्टिम्स हु फेल फॉर हिज करिश्मा. द फिल्म ऑल्सो स्टार्स ऋचा चड्ढा एंड टिस्का चोपड़ा. It is slated to release October 30. I miss report.